how are you all? Hope you all are fit and fine. Dear kids, in essays, previously I had explained you chapter 8, fur. And today, I am going to explain you lesson number 9, it's raining. So, are you ready kids? Let's begin. Let's see. Appu ate bananas. अप्पू लाइक बनानास वेरी मच। अप्पू है जो एक एलिफेंट है और उसे बनाना बहुत ही पसंद है। He plucks and eats bananas from the trees every day। वो हर रोज क्या करता है? ट्री के ऊपर से बनाना तोड़ता है और उसे खाता है। One day he saw that the banana trees were dropping। अप्पू ने क्या देखा कि जो बनाना ट्री है वो पूरा मुरझा गया है, पूरा झुक गया है। I must get water in my trunk, said Appu. Appu ने बोला कि मुझे मेरी ट्रंक में पानी लेकर आना चाहिए। He started walking towards the river. वो रिवर के पास चला। Appu drank water till he was happy. Appu ने रिवर का पानी पिया। He bathed his body with his trunk. उसने अपनी ट्रंक से अपनी बॉडी को नहलाया। Then he carried water in his trunk and poured it on the banana trees. फिर वो अपनी ट्रंक के अंदर वाटर भर के वो ट्री के पास आया और उसने वो बनाना ट्री के ऊपर पानी डाला। As soon as the banana trees got water, they came alive. जैसे बनाना ट्री को पानी मिला तो वो फिर से जिंदा हो गए, वो फिर से खिल उठे। अप्पू सेड, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल गेट वाटर फॉर यू एवरी डे। अप्पू ने बोला कि अब हर रोज मैं आपके लिए पानी लेकर आऊंगा। आफ्टर ऑल यू ऑल्सो गिव मी राइप एंड टेस्टी बनानास, क्योंकि आप भी मुझे क्या देते हो? टेस्टी टेस्टी पके हुए बनाना देते हो, तो अब हर रोज मैं आपको पानी पिलाऊंगा। Kids, what will happens if the banana tree do not get water? क्या होगा अगर बनाना ट्री को वाटर नहीं मिलेगा तो? Yes kids, जैसे कि आपको पता है, if the banana trees do not get water, they drop, dry up and their leaves fall off. क्या होगा? वो झुक जाएंगे, सूख जाएंगे और उनके जो leaves है वो भी गिर जाएंगे। Kids, where do the plants which grow around your house get water? आपके घर के आसपास जो plants है उनको पानी कहाँ से मिलता है? Yes. Plants growing around my house get water mostly from rain. हमारे आसपास जो plants होते हैं उनको rain का water मिलता है। We water some small bushes. और जो कुछ small bushes होते हैं उन्हें हम पानी देते हैं। Large trees get water from the soil with the help of their roots. और जो बड़े बड़े trees होते हैं उनको पानी कहाँ से मिलता है? तो वो बड़े trees को soil के अंदर से water मिलता है, क्योंकि उनके जो रूट्स होते हैं वो डीप सोइल में जाते हैं और वहाँ से उनको वाटर मिल जाता है। किड्स, हैव यू सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर वेयर? आपने कोई एनिमल्स को देखा है पानी पीते हुए? कहाँ पर देखा है? यस, आई हैव सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम लेक, रिवर एंड पॉन्ड। आपने भी देखा है ना कि रिवर, लेक और पॉन्ड में से एनिमल्स पानी पी रहे होते हैं, राइट? किड्स, You read in the story that Appu watered the banana trees. हमने स्टोरी में रीड किया कि जो अप्पू है वो बनाना ट्री को पानी देता है। Then where do other plants get water from? तो बाकी सारे जो plants हैं उनको पानी कहाँ से मिलता है? Plants mostly get water from rain. जो सारे plants हैं उनको ज़्यादातर पानी कहाँ से मिलता है? Rain का पानी मिलता है। When it rains, plants seem to get a new look. और जब rain बरसात आती है तब प्लांट्स को एक नया ही लुक मिल जाता है। तो किड्स, जैसे कि आप अभी अपने आसपास देख रहे हो, अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो हमारे आसपास के जो प्लांट्स हैं वो कितने हरे भरे हो गए हैं, राइट? सो किड्स, लेट अस रीड अ पोयम क्लाउड्स। व्हाइट एंड ब्लैक द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक। डॉग्स, डियर्स, एलिफेंट, हॉर्स, समटाइम्स दे लुक लाइक डियर्स बाय रनिंग हियर एंड देयर। द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक। तो किड्स, यहाँ पर ये पोएम में पोएट क्या कहना चाहते हैं कि जो क्लाउड्स है वो वाइट एंड ब्लैक कलर के, वो एक जादू के पैक में आते हैं। वो कैसे दिखते हैं? कई बार वो डॉग्स की तरह दिखते हैं, कई बार वो डियर्स की तरह दिखते हैं, कई बार एलिफेंट की तरह, कई बार हॉर्स की तरह, एंड समटाइम्स दे लुक लाइक स्वान, और कभी कभार तो वो स्वान की तरह दिखते हैं। द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक। इन मोमेंट्स दे कम, इन मोमेंट्स दे गो। एक पल में जैसे वो आते हैं और पल में ही वो चले जाते हैं। समटाइम्स नॉट सीन फॉर मंथ्स, और कभी कभार तो कई महीनों तक वो दिखाई भी नहीं देते हैं। समटाइम्स दे फ्रीज एंड फॉर वीक्स दे स्टे, और कभी कभार तो वो जैसे फ्रीज हो गए हो वैसे कई दिनों तक, कई वीक्स तक वो ऐसे ही रहते हैं। द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक।
Sometimes they roar, sometimes they pour, sometimes they thunder, spreading the colors in a rainbow of wonder. कभी कभार वो ऐसे गरजते हैं, कभी कभार वो बारिश भेजते हैं, और कभी कभार तो बिजली कड़कती है, spreading the colors in a rainbow of wonder. और एक वंडरफुल रेनबो के फॉर्म में वो कलर्स को स्प्रेड करते हैं. एंड समटाइम्स दे हेल देन ट्री शेड द लीव्स. कभी कभार तो ओले भी गिरते हैं और जो ट्रीज है वो अपने लीव्स को गिरा देते हैं. द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक वाइट एंड ब्लैक. किड्स, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट हो गया है. सो लेट्स डिस्कस ऑब्जेक्टिव पोर्शन ऑफ द चैप्टर. लेट्स सी, फर्स्ट टॉपिक इज चूज द करेक्ट ऑप्शन. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. हु वाज अप्पू? अप्पू कौन था? मैंने आपको बताया ना अभी चैप्टर में. यस, अप्पू कौन था? एलिफेंट. तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन, एन एलिफेंट. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड अप्पू वाटर द बनाना ट्रीज. अप्पू ने बनाना ट्रीज को किस तरह से पानी पिलाया? यस, वो भी मैंने आपको बताया, विथ इट्स ट्रंक. उसने अपनी ट्रंक से बनाना ट्री को पानी दिया. तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ वॉट डज अप्पू स्प्रिंकल वाटर ऑन हिमसेल्फ टू हैव अ बाथ. अप्पू ने बाथ करने के लिए किस तरह से वाटर को स्प्रिंकल किया अपने आप पर? यस, वो भी उसने अपनी ट्रंक से ही किया. राइट, तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, विथ इट्स ट्रंक. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डू यू गिव वाटर टू द पेट्स, काउ, बफेलो, ऑक्स, गोट एटसेट्रा इन योर हाउस? किड्स, आपके घर में अगर पेट्स हो, कोई भी काउ, बफेलो, ऑक्स, गोट या डॉग, कुछ भी, तो आप उनको किस तरह से पानी पिलाते हो? आप उनको रिवर के पास ले जाते हो, या वेल के पास ले जाते हो, या सी के पास ले जाते हो, या तो बकेट में उनके लिए पानी रखते हो घर पे ही? तो यस, क्या करते हो आप? सी ऑप्शन, इन अ बकेट एट होम. घर पे ही उन्हें हम बकेट में पानी देते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच सीजन डू पीपल यूज अम्ब्रेलाज एंड रेनकोट्स? कौन सी सीजन में लोग अम्ब्रेला और रेनकोट का यूज करते हैं? यस, वो तो आपको पता ही है, इन मॉनसून. राइट, इन रेनी सीजन. तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच सीजन डज इट रेन? कौन सी सीजन में रेन आती है, बारिश होती है? यस, डी ऑप्शन, इन मॉनसून. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम व्हाट आर क्लाउड्स फॉर्म्ड? जो क्लाउड्स होते हैं वो किस तरह से फॉर्म होते हैं, किस तरह से वो बनते हैं? किड्स, आपको पता है जो वाटर वेपर होती है वो स्काई में जाने के बाद एक साथ जमा हो जाती है और उसके बाद क्लाउड बनता है. तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, फ्रॉम वेपर दैट कलेक्ट्स इन द स्काई. नाउ किड्स, लेट्स सी अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिल इन द ब्लैंक्स. लेट्स सी द फर्स्ट फिलअप. एन एलिफेंट ड्रिंक्स वाटर विथ इट्स डैश. एलिफेंट किस तरह पानी पीता है? वो अपनी ट्रंक से पानी पीता है. राइट, तो हमारा आंसर होगा ट्रंक. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. रिवर्स गेट फ्लडेड ड्यूरिंग द डैश सीजन. रिवर्स में फ्लड कब आता है? बहुत सारा पानी कौन से सीजन में भर जाता है? यस, जब रेनी सीजन होती है, जब बरसात का मौसम होता है, तो सारी जो रिवर्स है उसमें फ्लड आता है. राइट, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेनी सीजन इज ऑल्सो नोन एज द डैश. जो रेनी सीजन है उसे हम और भी क्या कहते हैं? तो उसे मॉनसून भी कहा जाता है ना किड्स. तो हमारा आंसर होगा मॉनसून. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेपर कलेक्ट्स इन द स्काई टू फॉर्म डैश. जो वेपर कलेक्ट्स होते हैं स्काई के अंदर, तो उससे क्या बनता है? मैंने आपको अभी बताया ना, उससे क्लाउड्स बनते हैं. राइट, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थ इज कवर्ड विथ डैश ऑल अराउंड ड्यू टू रेन्स. किड्स, रेन की वजह से हमारी जो अर्थ है वो पूरी किससे कवर हो जाती है? यस, बहुत सारे ट्रीज ग्रो हो जाते हैं ना, तो हमारा आंसर होगा ग्रीनरी. लेट्स सी नेक्स्ट इज व्हेन क्लाउड्स कूल डाउन वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड विद देम. व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स कम डाउन टू अर्थ वी कॉल इट डैश. किड्स, जब क्लाउड्स ठंडे हो जाते हैं, कूल होते हैं, उसके बाद वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं. राइट, और फिर वो वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे अर्थ पर गिरते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? यस, क्लाउड्स में से जो पानी नीचे गिरता है उसे हम कहते हैं रेन. तो हमारा आंसर होगा रेन. लेट्स सी नेक्स्ट इज पीपल यूज डैश टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम रेन. लोग अपने आप को रेन से बचाने के लिए क्या यूज करते हैं? आप क्या यूज करते हो? अम्ब्रेला यूज करते हो ना किड्स?
यस, तो हमारा आंसर होगा अम्ब्रेला। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग रेनी सीजन लाइटनिंग इज सीन फर्स्ट एंड देन द साउंड ऑफ डैश इज हर्ड। किड्स, जब रेनी सीजन होती है, जैसे कि अभी ये सीजन चल रही है, राइट, तो हम पहले क्या देखते हैं कि लाइटनिंग हो रही है, राइट, और अचानक से हमें किसकी आवाज सुनाई देती है, थंडर की, राइट, बिजली कड़कने की आवाज सुनाई देती है ना, तो हमारा आंसर होगा थंडर। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रू और फॉल्स। लेट्स सी, फर्स्ट इज वेट क्लोथ्स डू नॉट ड्राई क्विकली इन द रेनी सीजन। जो गीले कपड़े होते हैं वो रेनी सीजन में जल्दी नहीं सूखते हैं। यस, तो ये सेंटेंस ट्रू है। सेकेंड इज वी कैन सी लाइटनिंग ड्यूरिंग द विंटर सीजन। विंटर सीजन में हमें लाइटनिंग दिखाई देती है, तो ये सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि बिजली कब कड़कती है, थंडर कब होती है, तब हमें लाइटनिंग दिखाई देती है, तो रेनी सीजन आता है, राइट, रेनी सीजन में हमें लाइटनिंग देखने को मिलती है ना, तो ये सेंटेंस फॉल्स है। लेट्स सी द नेक्स्ट। क्लाउड्स टेक वाटर फ्रॉम द सी एंड देन कम डाउन ऑन अर्थ एज रेन। ये सेंटेंस में क्या बोला है कि क्लाउड्स जो है वो सी के अंदर से वाटर लेते हैं और उसके बाद वो वाटर अर्थ के ऊपर रेन के फॉर्म में गिरता है, तो ये सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि जो रिवर्स होते हैं, वेल्स होते हैं, सी होते हैं, वहाँ सभी जगह से वाटर क्या होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, उसके बाद क्लाउड्स बनते हैं और फिर वो क्लाउड्स जब कूल होते हैं तो वो पानी नीचे गिरता है अर्थ पर रेन के फॉर्म में। लेट्स सी, नेक्स्ट इज इफ इट इज हॉटर इन समर देयर इज मोर रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून। किड्स, ये सेंटेंस में क्या कहा गया है कि समर में अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो इसका मतलब मॉनसून में बहुत ज्यादा रेनफॉल होने वाली है, तो ये सेंटेंस फॉल्स है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेट्स सी, नेक्स्ट इज वी कैन सी वेरियस शेप्स इन क्लाउड्स। हमें क्लाउड्स में बहुत सारे अलग अलग तरह के शेप्स देखने को मिलते हैं, तो ये सेंटेंस ट्रू है, राइट, आपने भी क्लाउड्स देखे हैं ना, उसमें अलग अलग तरह के हमें शेप्स देखने को मिलते हैं। लेट्स सी, नेक्स्ट इज अप्पू गेव वाटर टू ऑल द प्लांट्स ऑफ द जंगल। अप्पू ने जंगल में जितने सारे प्लांट्स थे सभी को पानी दिया, तो ये सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि उसने बनाना ट्री को ही पानी दिया था। लेट्स सी, नेक्स्ट इज इफ इट रेन्स हैवीली रिवर्स स्ट्रीम्स एंड लेक्स ओवरफ्लो। अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है तो जो रिवर्स है, स्ट्रीम्स है, लेक्स है, वो ओवरफ्लो हो जाएंगे, उसमें बहुत ज्यादा पानी भर जाएगा, तो ये सेंटेंस ट्रू है। लेट्स सी, नेक्स्ट इज व्हेन इज रेन्स वेरी हैवीली एंड कंटिन्यूअसली इट इज नोन एज फ्लड। जब बहुत ज्यादा रेन होती है और कंटिन्यूअसली बहुत दिनों तक बरसात आती रहती है तो उसे फ्लड कहते हैं, क्योंकि जो रिवर्स है, स्ट्रीम्स है, लेक्स है, वो क्या हो जाएंगे, ओवरफ्लो, तो ये सेंटेंस ट्रू है। नाउ किड्स, लेट्स सी अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैच द लिस्ट। लेट्स सी, फर्स्ट इज रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में क्या होता है, रेन, बरसात होती है ना, तो हमारा आंसर होगा ई ऑप्शन, इट रेन्स। सेकेंड इज टू बी सेफ फ्रॉम रेन। बारिश से बचना है तो क्या करेंगे, हम रेनकोट पहनेंगे ना, तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, रेनकोट। लेट्स सी, नेक्स्ट है समर। समर क्या होता है, हॉट होता है ना, तो हमारा आंसर होगा एफ, इट इज हॉट। नेक्स्ट है लाइटनिंग इज सीन इन द स्काई। स्काई में हमें लाइटनिंग देखने को मिलती है, उसके बाद क्या होता है, बिजली कड़कने की आवाज आती है ना, तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, देन थंडर इज हर्ड। लेट्स सी, नेक्स्ट है रेनबो। तो रेनबो में कितने कलर्स होते हैं किड्स, 7 कलर्स होते हैं ना, तो हमारा आंसर होगा ए, 7 कलर्ड। तो किड्स, हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन एंड ऑब्जेक्टिव पोर्शन का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ये वर्क आपकी पीडीएफ में से आपकी वर्कबुक में आपको लिखना है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।